नमस्कार, मैं हूँ पारुल शरण संवेदना और मैं अपनी कविता लेकर आई हूँ। धूप बढ़ गई है, धूप बढ़ गई है, हम शिकायतें कर रहे हैं, पता नहीं किससे, प्रकृति से, भगवान से, लोग या समाज से। प्रकृति ने तो हार ही मान ली है, भगवान गुमसुम है, और ये लोग तो अजीब हैं। और ये तो गजब का समाज है, यहाँ तो सांप्रदायिकता का राज है, इन्हें आगे की चिंता ही नहीं है। धूप बढ़ गई है, कहा गया है पानी पिया करें, हाइड्रेटेड रहें, बीमार ना पड़ें, पर पानी भी तो कम है, हम शिकायतें कर रहे हैं। इमारतें बन रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, हम शिकायतें कर रहे हैं, पता नहीं किससे, प्रकृति से, भगवान से, समाज से, लोग से, किससे। अपनी अपनी इच्छा अनुसार हर घर में एक दो बच्चे खेल रहे हैं, उनके बड़े होने पर धूप कितनी झुलसाएगी, पानी कितना रहेगा, क्या उनकी प्यास बुझ पाएगी, पेड़ कितने बचेंगे, क्या उन्हें छाया मिल पाएगी, पता नहीं। जो समर्थ है उन्होंने बच्चों के लिए एसी खरीद लिया है, एक एक्स्ट्रा गाड़ी, एक एक्स्ट्रा घर और बहुत सारे पैसे पानी और हवा खरीदने के लिए, पर अभी भी वो शिकायतें कर रहे हैं कि धूप बढ़ गई है, पानी खत्म हो रहा है, पता नहीं कैसे। अभी मैं रोड पर जा रही हूँ, एक एक कार में ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो लोग हैं, कहीं जा रहे होंगे, धूप बढ़ गई है, शिकायतें कर रहे हैं। हर किसी ने काला चश्मा लगा रखा है, पर उनके गालों पर धूप लग रही है। कुछ लोग काले रंग का चौखुट पर्दा बेच रहे हैं ट्रैफिक लाइट पर, कार वालों ने उसे खरीद लिया है, अपने शीशों पर लगा लिया है, अब उनके गालों पर धूप नहीं लग रही, पर वो कह रहे कि धूप बढ़ने से इन लोगों की मनमानी हो गई है, 20 का सामान 50 में दे रहे, तो ये शिकायतें कर रहे कि धूप बढ़ गई है, सो एसी का भी पावर बढ़ा दिया है। सामान बेचने वाले लोग पुराना चावल खा रहे हैं, कड़ी धूप से चावल अब बहुत खट्टा हो गया है, लस लसा हो गया है, सो अब धूप की वो भी शिकायतें कर रहे हैं, पर अपने बच्चों को वही चावल खिला रहे हैं, खुद भी वही खा रहे हैं। धूप बढ़ गई है, सब शिकायतें कर रहे हैं, पता नहीं किससे। धन्यवाद सुनने के लिए।